हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट के बारे में। अपराजिता प्लांट देखिए बेलनुमा प्लांट होता है और इसका फूल एकदम मटर के फूल जैसा होता है और मटर के जैसे इसमें मटर में वो बन जाती है सीड पर, उसी तरह इसमें भी बनता है और एक सीड में तक 5 से 6 सीड होते हैं और सूखने के बाद इसे आप लगा सकते हैं। और अगर ये आपके गार्डन में एक बार लग जाए तो सीड पॉड बना करता है फूल खिलने के बाद, तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। आप इसे जाए नर्सरी से या किसी के पास से इसका सीड पॉड ले आएँ तो आप इसे लगा सकते हैं, आसानी से 6-7 पौधे आपके पास बन जाएंगे। और इसमें ये सही टाइम चल रहा है इसकी ब्लूमिंग का, ये देखिए पूरे प्लांट में एकदम ब्लूमिंग हो रही है, ये ऊपर से लेके पूरा एकदम चढ़ गया है। आप इसे रेलिंग के पास लगाएंगे तो पूरा ये एकदम पूरी बढ़ जाएगी। और बात कर ले इसकी पॉट की, तो आप इसे 12 इंच के पॉट में लगाएं तो ये इसके लिए बेस्ट है। और इसकी मिट्टी वही एक बाग सैंड और एक बाग नॉर्मल मिट्टी और एक बाग कंपोस्ट कोई ले लें तो इसमें अच्छी ग्रोथ करेगा। और आप इसे कि कहीं भी रख सकते हैं, आप इसे ऐसी जगह लगाएं जहां सुबह की और शाम की धूप आती होगी। दोपहर वाली धूप इसको अच्छी नहीं लगती है, एकदम इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। और इसे ये ठंडी में डोरबेंसिन चला जाता है ये प्लांट, और फ्लावरिंग करता भी है तो बहुत छोटी छोटी फ्लावरिंग करता है। और ये वाला देखिए मेरा एक छोटे से ऑयल कंटेनर में लगा हुआ है, इसमें भी ये फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें छोटी फ्लावरिंग है। ये देखिए इसमें कम मिट्टी है इस पॉट में, इसलिए इसमें छोटी फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये एकदम धूप में रखा हुआ था, एकदम फुल डे की धूप इसे मिलती है इसलिए इसकी पत्ती सूखने लगी। और ये देखिए इसमें 2 स्टिक मैंने लगा दिए, उसी के जा रही है चढ़ गई पूरी। ये देखिए आप इसे महीने में या महीने 2 महीने में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वही इसके लिए काफ़ी है। और अब विंटर आ रहा है इसका प्लांट अब डोरबेंसिन चला जाएगा, इसलिए आप इसे स्वीट पॉट उगा लीजिएगा जिससे कि, और ठंडिया में आप इससे फूल ना ले तो अच्छा होगा। इसे मार्च अप्रैल में जाके ये खूब ब्लूम करेगा आपका प्लांट। और इसे कोई ख़ास केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये देखिए ब्लूमिंग इसकी